जय आरसीएम। आज पार्ट सेकंड के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा। आज हम जानेंगे जीमेल के द्वारा मोबाइल नंबर चेंज कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, और वो डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा कहाँ से? तो आपको गूगल या क्रोम पे सर्च करना है आरसीएम वर्ल्ड। जब आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको आरसीएम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपको कॉर्नर साइड में जो तीन लाइनें दिख रही हैं इस पर क्लिक कीजिए। आपको एसोसिएट बायर का ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ढेर सारा आपको चीज़ें दिखाएगी। आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। आपको लास्ट में दिखेगा मोबाइल नंबर चेंज। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक फॉर्म दिख जाएगा, मोबाइल नंबर डिक्लेरेशन का फॉर्म है। आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा के लेकर आइए, और उसमें फॉर्म में भरना क्या है वो भी बताऊंगी। तो इस फॉर्म में भरने के लिए इस पर लिखा हुआ है आई खालिस्तान, सन ऑफ खालिस्तान, रेजिडेंट ऑफ खालिस्तान, डू हियर बाई एंड कन्फर्म इज अंडर। तो इसमें जो आई है, आई के बाद आपका नाम, सन ऑफ आपके पिता का नाम, रेजिडेंट ऑफ आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका यहाँ पे पता, रेजिडेंट का मतलब पता। आपको यहाँ पे इस फॉर्म में एक नंबर पे लिखा है दैट आई एम एसोसिएट बायर ऑफ आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, माय आईडी नंबर इज खालिस्तान। मतलब ये कि मैं आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड का एसोसिएट बायर हूँ, मेरा आईडी नंबर ये है। तो आपको इस खाली स्थान में आपका आईडी नंबर भरना है। दूसरे वाले नंबर पे देखिए, दैट इज पर पार्टिकुलर्स गिवेन अर्लियर बाय मी, माय मोबाइल नंबर खालिस्तान इज इन योर कंपनी रिकॉर्ड। मतलब ये कि मेरे द्वारा पहले दिए गए विवरण के अनुसार मेरा मोबाइल नंबर आपकी कंपनी में रिकॉर्ड है, तो जो आपका पुराना वाला नंबर है इसमें भरना है। तीसरे नंबर पे देखिए, दैट आई हैव टेकन न्यू मोबाइल नंबर कनेक्शन एंड दिस न्यू मोबाइल नंबर खालिस्तान डिजायर टू बी रिप्लेस एट माई ओल्ड मोबाइल नंबर। मतलब ये कि मैंने नया मोबाइल कनेक्शन लिया है और यह नया मोबाइल नंबर मेरे पुराने मोबाइल नंबर पर बदलने की इच्छा है, तो आपको इसमें नया वाला मोबाइल नंबर भर देना है। चौथे नंबर पे लिखा हुआ है दैट आई शैल बी सेल रिस्पॉन्सिबल, सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग रिकॉर्ड दिस न्यू मोबाइल नंर खालिस्तान बाई आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड खालिस्तान। तो इसमें पहले वाले खालिस्तान में आपका नया मोबाइल नंबर और लास्ट में वाले में पुराना मोबाइल नंबर भर देना है। इसके बाद आपको देखिए लिखा हुआ है प्लेस और डेट। प्लेस में आपके जगह का नाम, डेट में आप किस डेट को कंपनी को मेल कर रहे हैं वो डेट भरिए, और डिक्लेरेंट में लिखा है तो डिक्लेरेंट में आपको सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर करने के बाद अब ये फॉर्म पूरी तरह से तैयार हो चुका है कंपनी को मेल करने के लिए। अब मेल कैसे करना है, तो इसके लिए आप जीमेल पे क्लिक कीजिए। आपको कंपोज का ऑप्शन आएगा। कंपोज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो जो टू लिखा है, टू के आगे लिखिए info@rcmworld.com। तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट में लिखना है टू चेंज मोबाइल नंबर। इसके बाद लिखा है कंपोज मेल, तो इसमें आपको कुछ ऐसे भर देना है। मैंने अपना भरा हुआ है, आप इसमें जैसे जैसे लिखा है वैसे लिखना है। बस आपका इसमें मोबाइल नंबर, जो आईडी नंबर है, आपका नाम, ये सब आपका होना चाहिए। मतलब ये कि हिंट है कि आपको ऐसे ही भरना है। अब इसमें फ़ोटो सेंड कैसे करना है, तो फ़ोटो सेंड करने के लिए ऊपर देखिए टैबलेट जैसा है, इस टैबलेट पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन आएगा अटैच फाइल का, तो इसमें आपको अटैच फाइल में क्या करना है, तो आईडी का बैक और फ्रंट दोनों साइड का फ़ोटो और ये फॉर्म, तीनों को सेलेक्ट करके सेंड कर देना है। अब आप ईमेल कर दिए हैं, आपका जो मोबाइल नंबर है 24 से 72 घंटे के अंदर चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को।